out again. ऑफ ऑटोमोबाइल्स गाइस, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं Hyundai वेन्यू के बारे में। आज हमारे सामने जो वेरिएंट है इसका वो है SX प्लस DCT यानी कि ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन में इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट आज हमारे सामने है। डेनिम ब्लू कलर के अंदर आज हमारे सामने गाड़ी है। सो गाइस, आज हम सारी बातें इस कार के बारे में करने वाले हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर सारी चीजें हम इस कार के बारे में बात करेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस के लिए। सो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं गाड़ी के फ्रंट की तरफ। तो गाइस, जैसे ही डीप डाउन गाड़ी के फ्रंट के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले गाड़ी की कीज देख लेते हैं। कीज गाड़ी में कुछ इस तरह से आपको जो है देखने को मिलेगी, जैसे क्रेटा और एल्काज़ार वगैरह में आपको जो है देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको लॉक का बटन, अनलॉक का बटन, साथ ही साथ इसमें बूट ओपनिंग का स्विच यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही साथ ये आपको कार लोकेटिंग के लिए मिल जाता है। जैसे आप इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे, गाड़ी के सायरन जो है बजने लगेंगे और आपकी कार जो है लोकेट हो जाएगी अगर किसी पार्किंग वगैरह में खड़ी हुई है। बाकी डीप डाउन गाड़ी के फ्रंट के बारे में अगर हम बात करें, फ्रंट से गाड़ी जो है डिज़ाइन आपको कुछ इस तरह से इसमें नॉर्मल एक देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर अगर मिड में देखें तो मिड में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है Hyundai का लोगो। यहाँ पर ये क्रोम की ग्रिल जो है आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर, एंड उसके साथ ही यहाँ पर जो है आपको LED में इसके जो है LED शेप में यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर ऊपर की साइड मिल जाएंगे। नीचे की साइड आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। LED DRL आपको जो है यहाँ पर इसमें लोकेट ये सराउंड शेप में जो है मिल जाएगी। उसके साथ ही प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स इस कार के अंदर यहाँ पर आपको नीचे की साइड देखने को जो है मिलेंगे। उसके ऊपर ही यहाँ पर देखें तो आपको सिल्वर कलर की ये स्किड प्लेट टाइप की मिल जाएगी। ब्लैक कलर का यहाँ पर जो है एरो कुस्ट करके डिज़ाइन यहाँ पर दे रखा है, एंड यहाँ पर नीचे मिल जाएगा इसमें रेडिएटर ग्रिल जो है नीचे की साइड यहाँ पर देखने को मिलेगी, एंड साथ ही साथ यहाँ पर भी सेम आपको जो है देखने को मिलेगा। ऑल इन ऑल गाड़ी का फ्रंट जो है फ्रंट लुक कुछ इस तरह का इस गाड़ी में देखने को मिलता है। एंड उसके बाद बात करें गाड़ी की साइड के बारे में, तो साइड से गाड़ी जो है कुछ इस तरह से दिखाई देती है। 3995 mm की गाड़ी की इस गाड़ी की जो है लेंथ है। और उसके बाद अगर डीप डाउन हम गाड़ी की साइड के बारे में ही बात करें, तो साइड में जो है यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलते हैं 16 इंचेस जो है अलॉय व्हील्स इसके अंदर डायमंड कट जो है देखने को मिलते हैं, जिसका टायर साइज एक्यूरेट बात करें 215/60 R16 इंच का जो है अलॉय व्हील्स इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक आपको इसके अंदर जो है देखने को मिलते हैं। बाकी यहाँ पर फिर बात करें तो व्हील आर क्लैडिंग जो है यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है, जो कि पूरा का पूरा पीछे तक आपको जाती हुई यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद ऊपर की साइड यहाँ पर बात करें तो ऊपर की साइड यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है ये है DCT का एक यहाँ पर DCT की बैजिंग जो है देखने को मिलती है। ऊपर यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आपको ORVM के ऊपर ही मिल जाता है। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM है विद फोल्डेबल ORVM आपको इस गाड़ी में इस वेरिएंट के अंदर जो है मिल जाते हैं। बाकी क्रोम के डोर हैंडल्स इसके अंदर मिल जाते हैं, आपको कीलेस एंट्री का स्विच यहाँ पर जो है देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 190 mm की इसके अंदर जो है ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। ए पिलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में यहाँ पर मिल जाएगा, साथ ही साथ इसके रूफ रेल जो है आपको यहाँ पर सिल्वर कलर के अंदर अवेलेबल मिल जाएगी। बी पिलर की बात करें आपको ब्लैक टेप इसके ऊपर मिल जाएगा, एंड और सी पिलर आपको नॉर्मल ब्लू कलर का इसके अंदर मिलेगा। और उसके जस्ट पीछे की साइड आपको पियानो ब्लैक फिनिश में एक छोटा सा यहाँ पर एक शेप में एक प्लास्टिक टेप का जो इसका डिज़ाइन यहाँ पर मिलेगा। सो ऑल एंड ऑल गाड़ी का साइड लुक जो है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद और ये हुई सारी बातें गाड़ी के साइड के बारे में, अब चलते हैं गाड़ी के रियर में और बात करते हैं गाड़ी के रियर के बारे में। सो गाइस, जैसी बात करते हैं फिर गाड़ी के रियर के बारे में, रियर से जो है गाड़ी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। गाड़ी का रियर लुक ये आपके सामने है। बाकी गाड़ी के डीप डाउन बात करें गाड़ी के रियर के बारे में, तो रियर में यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपको देखने को मिलता है ये मिलता है शार्क फिन एंटीना यहाँ पर देखने को मिलता है। नीचे की साइड आपको जो है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलता है। यहाँ पर रियर डिफोकस जो है मिल जाते हैं। वाइपर वॉशर इस वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ फिर इसके टेल लैंप्स की बात करें, टेल लैंप्स आपको कुछ इस तरह से जो इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, साथ साथ इसके पार्किंग लाइट आपको नीचे की साइड यहाँ पर जो है लोकेट मिलेगी। इसके सराउंडिंग रिफ्लेक्टर्स जो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा डिज़ाइन मिल जाएगा ब्लैक कलर का रियर बम्पर, और वाइट शेप में यहाँ पर जो है आपको प्लास्टिक भी मिल जाएगी अवेलेबल। बाकी उसके बाद यहाँ पर जो फ्रंट में रियर में देखें तो यहाँ पर आपको Hyundai का लोगो, यहाँ पर वेन्यू का एक शानदार सा लोगो जो कि बड़ी बड़ी बैजिंग में दे रखा है। यहाँ पर टर्बो की बैजिंग आपको मिल जाएगी, 2i अल्ट्रासोनिक रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, कैमरा जो है इसके अंदर यहाँ पर आपको लोकेट मिल जाएगा। सो ऑल एंड ऑल गाड़ी का रियर लुक जो है कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें गाड़ी की बूट के बारे में, तो गाड़ी की बूट ओपन करने के लिए आपको जो है यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा।
उसे आप दबाएंगे और गाड़ी की बूट जो है ओपन हो जाएगी, ये जो बटन है आपको मिल जाएगा। सो गाड़ी में जो है आपको 350 लीटर का इसके अंदर जो है बूट स्पेस आपको अवेलेबल जो है मिल जाता है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर सफिशियंट है बूट स्पेस, इसके अंदर 5 लोगों के सामान रखने के लिए इसमें काफ़ी जगह है। बाकी रियर पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी यहाँ पर एक लगेज लैंप इसके अंदर जो है यहाँ पर आपको माउंट इसके अंदर अवेलेबल मिल जाने वाला है। एंड उसके साथ ही यहाँ पर नीचे की साइड आपको अगर नीचे की साइड देखें तो आपको स्पेयर व्हील जो है यहाँ पर रखने की जगह मिल जाती है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको टूल किट वगैरह रखने की भी जगह इसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। उसके बाद बात करें गाड़ी की रियर सीट के बारे में, तो ये 100% आपको जो है फोल्डेबल मिलेगी, आप इसे फोल्ड कर सकते हैं और अगर आपका लगेज ज़्यादा है तो आप वहाँ पर लगेज जो है कैरी कर सकते हैं। सो गाइस, ये हुई बातें ऑल एंड ऑल गाड़ी के सारे एक्सटीरियर के बारे में। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में। फिर गाइस, जैसी बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में, गाड़ी में ऑल ब्लैक जो है आपको इसके अंदर इंटीरियर जो है देखने को मिलता है। और उसके बाद ही यहाँ पर सीट अपोस्ट्री की इसकी बात करें तो सीट अपोस्ट्री इसके अंदर कुछ हार्ड फैब्रिक में जो है आपको मिलती है, जैसा कुछ जीन्स डेनिम का कपड़ा जो है जिस तरह का होता है उस तरह से यहाँ पर आपको फैब्रिक इसके अंदर मिलने वाला है। एंड उसके साथ ही यहाँ पर नीचे की साइड बात करें इसकी सीट्स जो है आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल आपको इसके अंदर मिल जाएगी, साथ साथ बकेट सीट्स इसके अंदर आपको फ्रंट वाली मिल जाएंगी, फ्रंट सीट के हेडरेस्ट आपको जो है एडजस्टेबल इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। सो गाड़ी के बारे में ये हुई बाहर से बातें, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बात करते हैं अंदर से। सो गाइस, अब आ गए हम कार के अंदर और अगर कार को अंदर से बात करें, इसकी सिटिंग पोजीशन की बात करें, सिटिंग पोजीशन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको आप एक लॉन्ग जर्नी इसके अंदर आराम से एंजॉय जो है कर सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करें, स्टीयरिंग व्हील आपको लेदर रैप इसके अंदर मिल जाएगा, साथ साथ टिल्ट स्टीयरिंग मिल जाएगा, आप इसको अप डाउन जो है एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ पर बात करें आप मिड में जो है देखने को मिलता है यहाँ पर Hyundai का लोगो। बाकी फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है आपको इस वाले वेरियंट में, यहाँ पर आपको सिल्वर की एक डिज़ाइनिंग टाइप की जो है मिल जाती है। एंड यहाँ पर मिलता है आपको क्रूज कंट्रोल के जो है जुड़े स्विचेस, यहाँ पर जो मिल जाते हैं मीडिया से जुड़े स्विचेस, यहाँ पर वॉइस कमांड वगैरह के स्विचेस जो है आपको मिल जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, जिसको आप यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से जो है यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मिल जाते हैं आपको कुछ वाइपर एंड वॉशर से जुड़े हुए कुछ एक नॉब मिल जाती है, यहाँ पर हेडलाइट से जुड़ी हुई एक नॉब जो है इसके अंदर अवेलेबल जो है देखने को मिल जाती है। एंड उसकी MID की बात करें, आपको इसके अंदर एनालॉग MID जो है मिल जाने वाली है, यहाँ पर मिलता है आपको टैकोमीटर, यहाँ पर मिलता है आपको टेम्परेचर गेज, इसके साथ ही यहाँ पर स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको मिलेगा फ्यूल गेज। एंड इसके साथ ही मिड में आपको जो है MID मिलेगी इसके अंदर डिजिटल, एंड यहाँ पर जो है मिल जाएंगे आपको सारी वार्निंग लाइट्स। एंड उसके बाद यहाँ पर इसके बात करें AC वेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर AC वेंट के सराउंडिंग एक सिल्वर एसेंट आपको जो है देखने को मिलेगी। उसके साथ ही यहाँ पर ये ऑटोमेटिक वेरियंट है तो DCT वेरियंट है इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का एक स्विच मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इल्यूमिनेशन ये जो MID दे रखी है इसकी इल्यूमिनेशन एडजस्ट करने के लिए आपको स्पेस ये आपको बटन मिल जाएगा, आप इसकी इल्यूमिनेशन यहाँ से जो है इस तरह से कुछ एडजस्ट कर सकते हैं जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर इसके अलावा हेडलाइट लेवलिंग का स्विच मिल जाता है, पुश स्टार्ट बटन इसके अंदर जो है यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखें तो आपको चारों पावर विंडोज के स्विचेस मिल जाएंगे, आपको ड्राइवर साइड जो विंडो है वो आपको ऑटो अप और ऑटो डाउन जो है इसके अंदर मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल विद फोल्डेबल ओआर बीम के स्विचेस भी यहाँ पर मिल जाएंगे, सिल्वर इसके अंदर जो है आपको इनसाइड डोर हैंडल मिल जाएगा, फ्रंट के दो ट्विटर्स मिल जाएंगे, चारों डोर्स में स्पीकर्स मिल जाएंगे। बाकी फिर इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर जो है आपको 8 इंच की स्क्रीन जो है मिल जाती है, जो कि लगभग 20 सेंटीमीटर की अप्रॉक्सीमेटली बैठती है। इसके अंदर जो है आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, नेविगेशन, ये सब चीज़ों की कनेक्टिविटी मिलने वाली, साथ साथ ब्लू लिंक की भी कनेक्टिविटी इसके अंदर मिलने वाली है। एंड उसके साथ ही ये स्क्रीन की टच की बात करें, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आपको ये टच आपको मिलता है, जैसे कई ब्रांड्स कार में जो है कुछ थोड़ा सा प्रेस करके आपको जो है पुश करके थोड़ा एफर्ट लगा के जो है आपको स्क्रीन यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एफर्टलेस आपको एक रिस्पॉन्स इस स्क्रीन से मिलता है। एंड उसके साथ ही यहाँ पर जो है AC वेंट्स आपको इसके सराउंडिंग जो है दोनों मिल जाएंगे, उसके साथ ही यहाँ पर आपको सिल्वर की एसेंट जैसे उस वाले AC वेंट पे थी वही वैसे ही सिल्वर एसेंट मिल जाएगी, साथ साथ यहाँ पर मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं आप इसे, यहाँ पर इसके लिए बटन्स भी दे रखे हैं, जैसे कि ये आपको वॉल्यूम अप डाउन का दे रखा है, यहाँ पर ट्यूनिंग वगैरह एडजस्ट करने के लिए दे रखा है। बाकी हैजार्ड का स्विच, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर मिल जाती है, और बाकी फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल इसके अंदर जो है यहाँ पर मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी कह सकते हैं इसे। बाकी इसके अंदर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर USB लगाने के लिए एक सॉकेट मिल जाता है, बाकी यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट एक मिल जाता है, 12 वोल्ट का एसेसरी सॉकेट भी इसके अंदर यहाँ पर अवेलेबल एक मिल जाता है, आप इसे निकाल सकते हैं और यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। एंड उसके साथ ही यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड मिल जाता है,
वायरलेस चार्जर यहाँ पर आपको जो है अवेलेबल मिल जाता है। बाकी डीसीटी गाड़ी है ये, तो यहाँ पर ये डीसीटी का ये गियर लीवर मिल जाता है, पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड, ये सब चीज़ें आपको मोड्स इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये छोटा सा स्टोरेज स्पेस जो कि पता नहीं किस काम में आने वाला है, मेरे को इसका आइडिया नहीं है। बाकी इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको एक कप सिंगल कप होल्डर मिल जाता है, एक बाकी सेकंड कप होल्डर भी है, लेकिन उसके अंदर एयर प्योरीफायर लगा हुआ है। एयर प्योरीफायर अभी इसके अंदर फिटमेंट होना बाकी है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एंड उसके साथ ही फिर इसके अगर डैशबोर्ड की बात करें, वापस अपर की साइड आ जाते हैं, तो इसके डैशबोर्ड जो है आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पेस जो टाइप का मिल जाता है, अच्छा खासा इसके अंदर एक ब्लैक डैशबोर्ड पूरा स्पेस वाला आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाने वाला है। एंड उसके साथ ही यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सा स्पेस आपको जो मिल जाता है, इसके अंदर आप अपना फ़ोन, वॉलेट वगैरह ये सब चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाती है इसके अंदर एक ग्लव बॉक्स जो कि कूल्ड ग्लव बॉक्स इसके अंदर मिल जाने वाला है। बाकी ऑल फोर डोर्स में स्पीकर्स, टू ट्विटर्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी आपको मिल जाते हैं। बाकी अपर की साइड अगर हम आते हैं तो अपर की साइड आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है को ड्राइवर साइड, एंड यहाँ पर मिल जाते हैं आपको सनरूफ से जुड़ा एक स्विच मिल जाता है ये आपको, एंड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं मैप रीडिंग लैंप जो है इसके अंदर आपको अवेलेबल मिल जाने वाले हैं। बाकी ड्राइवर साइड आपको जो है एक सिंगल टिकट होल्डर ही इसके अंदर अवेलेबल मिलने वाला है। फिर उसके अगर यहाँ पर देखेंगे अपर की साइड आपको जो है यहाँ पर एक माइक भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा, एंड ऊपर की साइड यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक सनरूफ जो है आपको अवेलेबल इसके अंदर मिल जाएगी। उसके बाद अगर एक चीज़ की बात अगर हम और करें तो यहाँ पर मिल जाता है एक आपको आर्मरेस्ट इसके अंदर जो है अवेलेबल इसके अंदर मिल जाता है, जो जिसके अंदर एक स्टोरेज स्पेस भी आपको अवेलेबल इसके अंदर मिल जाने वाला है। सो गाइस, ये हुई सारी बातें गाड़ी के ऑल ओवर इंटीरियर के बारे में, फ्रंट इंटीरियर के बारे में। अब चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे और बात करते हैं गाड़ी के रियर सीट के स्पेस के बारे में और रियर सीट के फीचर्स वगैरह के बारे में। जब आगे हम कार की रियर सीट पे, अगर कार की रियर सीट के बारे में बात करें, इसके अंदर आपको लेगरूम जो है सफिशियंट अमाउंट का मिल जाता है। काफी लोगों को इसके स्पेस से जो है काफी ज्यादा शिकायतें रहती हैं। बाकी तीन लोग आप आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं, उतना ज्यादा स्पेस भी नहीं है। बाकी 3995 mm एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि इसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस आपको उतना ज्यादा स्पेस नहीं मिलता, लेकिन हाँ सफिशियंट अमाउंट का स्पेस आपको इसके अंदर अवेलेबल मिल जाने वाला है। बाकी फ्रंट हेडरेस्ट आपको दोनों के दोनों इसके अंदर एडजस्टेबल मिलेंगे। नीचे की साइड आप देखेंगे तो नीचे की साइड आपको रियर एसी वेंट्स इसके अंदर जो है अवेलेबल मिल जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पर आपको 12 वोल्ट एसेसरी सॉकेट इसके अंदर जो है अवेलेबल मिल जाएगा। अपर की साइड इसके अलावा देखेंगे तो अपर की साइड आपको ऑब्वियसली फ्रंट में मैंने सनरूफ इसके अंदर फ्रंट में कवर कर ली है, एंड बाकी यहाँ पर आपको एक मैप रीडिंग लैंप इसके अंदर अवेलेबल मिल जाता है। यहाँ पर हैंडल असिस्ट जो है इसके अंदर अवेलेबल मिल जाती है। बाकी ऑल डोर्स में स्पीकर्स जो मैंने बताई दिए हैं इसके अंदर, इसके साथ ही यहाँ पर हेडरेस्ट आपको रियर वाले भी इस वेरियंट के अंदर एडजस्टेबल मिल जाएंगे। बाकी सेम अपोलस्ट्री जैसी फ्रंट सीट्स की है इसकी, वही अपोलस्ट्री इसमें रियर में भी दे रखी है। बाकी रियर में कोई आपको आर्मरेस्ट वगैरह इसके अंदर अवेलेबल नहीं मिलने वाला है। सो गाइज, ऑल एंड ऑल गाड़ी का रियर इंटीरियर जो है इस तरह का कुछ दिखाई देता है। बाकी लेगरूम, हेडरूम और शोल्डर रूम सफिशियंट अमाउंट का इसके अंदर मिल जाता है। जैसे कि मेरी हाइट 5'9" है, मेरे को भी इसके अंदर कोई ऐसा इशू इसके अंदर किसी तरह का नहीं आ रहा है। सो गाइज, ऑल एंड ऑल ये हुई सारी बातें गाड़ी के ऑल ओवर इंटीरियर के बारे में। अब चलते हैं, जानते हैं गाड़ी के सेफ्टी के बारे में, प्राइस के बारे में और इंजन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। सो गाइज, उसके बाद बात करें गाड़ी की सेफ्टी के बारे में। गाड़ी में 2 एयरबैग्स और 6 एयरबैग की जो है कॉन्फ़िगरेशन आपको अवेलेबल मिलेगी। 2 एयरबैग सभी वेरिएंट से मिलेंगे और 6 एयरबैग सिर्फ और सिर्फ आपको SX ऑप्शनल वेरिएंट में अवेलेबल मिलने वाले हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये और सिर्फ आपको DCT वेरिएंट में अवेलेबल मिलेंगे। एंड उसके बाद बात करें गाड़ी के इंजन के बारे में, गाड़ी 3 इंजन ऑप्शंस में गाड़ी आपको अवेलेबल मिलती है। 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और साथ साथ 1.5 लीटर डीजल इंजन में गाड़ी मिलती है। ये हमारे सामने जो है 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है, जिसमें पावर और टॉर्क जो है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से काफ़ी ज़्यादा जो है हम देख सकते हैं इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसके अंदर टॉर्क और इसके अंदर पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड उसके बाद बात करें गाड़ी के प्राइस के बारे में, तो गाड़ी के प्राइस जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो, वीडियो में ज़रा भी इन्फॉर्मेशन आपको जो है अवेलेबल मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।